दोस्तों शडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए पटना के गर्दनी बाग में अभी लड़कियों का फिजिकल चल रहा है। ये फिजिकल 24 फरवरी 2022 से ही शुरू है। काफ़ी अभ्यर्थियों ने बोला कि सर बताइए कि एक दिन में कितने लड़की बाहर हो रही है और कितने लड़की सिलेक्ट हो रही है और इसका कटअप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो भी लगभग 42,000 कैंडिडेट हैं मेल फीमेल मिलाकर 8,415 पदों के फिजिकल वाले, वो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि बार बार ऐसे वीडियो का आपके लोगों की तरफ से डिमांड हो रहा था। सीएसबीसी का ऑफिशियल डाटा भी दिया गया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने लड़कियाँ छट रही है और इस समय कितने लड़कियाँ पास हो रही है और पहले कितने लड़कियाँ पास होती थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसका फाइनल मेरिट लिस्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 28 जनवरी 2022, इस दिन मैं आपको पटना के गर्दनी बाग में ही था। काफ़ी लड़कियां रो रो कर बुरा हाल कर रही थी जब वो फिजिकल देकर सेलेक्ट नहीं हो रही थी। वैसी लड़कियां जो वेट और हाइट में छट रही थी, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा था। देखिए 28 जनवरी को जो फिजिकल हुआ है 2022 28 जनवरी, तो इसमें 1200 हर दिन 1200 लड़कियों को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए, और जब लड़कों का फिजिकल होगा तो 1600 एक दिन में बुलाया जाएगा। तो 1200 लड़कियों को बुलाया गया था, 956 लड़कियां इसमें आपको आई थी। देखिए धीरे धीरे सिलेक्शन का भी परसेंटेज और अटेंडेंस का भी परसेंटेज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो लड़कियां शुरू में ही एकदम समझ गई थी कि हमारा वेट में प्रॉब्लम होने वाला है और हम ज़्यादा अंतर से छटने वाले हैं, वैसे लड़कियां आना छोड़ दी थी। लेकिन काफ़ी लड़कियों को प्रोत्साहित किया गया, कुछ लड़कियां अपना वेट गेन की, पानी अंदर पीकर अपना वेट बढ़ाई, वैसे बहुत सी लड़कियां आने शुरू कर दिए थे। तो 956 लड़कियां आपको आई है 28 जनवरी को। फिर उसके बाद अब देखिएगा, इससे पहले वाला भी मैं आपको बता दूंगा, रनिंग में जो लड़कियां बाहर हुई है, टोटल 250 लड़कियां बाहर हो गई है रनिंग में। कहने का मतलब कि रनिंग में देखा जाए तो हर साल ऐसे तो आप देखा जाए कि हर बार भर्ती होता है तो सबसे ज़्यादा लड़कियां रनिंग में ही छटती है। उसके बाद हाई जंप और शॉर्ट पुट मतलब तो गोला फेंक, इसमें 41 लड़कियां छटी हुई है। देखिए 40 से लेकर 50 के बीच में ही ये आपको अंतर रह रहा है। 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक मैं बता रहा हूँ, आज अभी फिजिकल चल रहा है पटना के गर्दनी बाग में, ठीक। तो हाई जंप और शॉर्ट पुट में टोटल 41 लड़कियां छटी है। इससे पहले भी आप देखिएगा तो लगभग इतना ही कह रहा हूँ, हाई जंप और शॉर्ट पुट में गोला फेंक में लड़कियां छट रही है, ठीक। फिर हम बात करें हाइट और वेट, ये वाला जो है ना, ये वाला परसेंटेज देखिए और ये वाला देखिए और ये वाला सिलेक्शन का रेशियो देखिए, ठीक। देखिए यहाँ पर रनिंग में जितनी लड़कियाँ छट रही है 250, उससे भी अधिक हाइट और वेट में लड़कियाँ छट जा रही है, जो कि यही सबसे कम होता था पिछली भर्ती जितना भी भर्ती हुआ है, क्योंकि उसमें वेट नहीं था लड़कियों का। अभी 48 केजी आपको मिनिमम वेट होना चाहिए किसी भी कैटेगरी की लड़कियाँ हो, और अगर लड़कियों का वेट 2-3 केजी कम भी रह रहा है तो वो पानी पीकर बढ़ा ले रही है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, 48 केजी होना चाहिए। कभी भी जब वेट होगा और आपका हाइट देखा जाएगा तो वहाँ पर फिर मौका दोबारा नहीं दिया जाएगा। और हाइट भी जो है ना, काफ़ी लड़कियों का शिकायत है कि सर हाइट 1 इंच दबाकर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर दबाकर ही मापा जा रहा है। अभी अंदर की बात है, वैसे मैं बताऊं कि हाइट में किसी को बाहर नहीं किया जाता है, अगर उनका हाइट सही है तो बता दिया जाता है उनका। तो यहाँ हाइट और वेट में भी 251, देखिए यहाँ पर कितना लड़कियाँ बाहर हो रही है। टोटल जो लड़कियों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है फिजिकल में, ये 424 है। किस दिन? तो जिस दिन मतलब 28 जनवरी 2022, इसी दिन मैं आपको पटना के गर्दनी बाग में सुबह से लेकर शाम तक था। काफ़ी लड़कियां सिलेक्टेड हुई, काफ़ी लोगों से मिले भी, लेकिन कुछ लड़कियों को देखकर पूरा एकदम समझिए कि मेंटल जो आपको होता है ना, मेंटल प्रॉब्लम हो गया था। फिर वहां से हम शाम में हटे, यहां पर गांधी मैदान में भी गए। ये जो है ना, ये परसेंटेज ये वाला, ये आपको काफ़ी विचलित करेगा। मतलब कि जो 48 केजी वेट जोड़ा गया है, इसका आधार क्या है ये कोई नहीं जानता है। लड़के लोग बार बार बस ऐसे ही कमेंट कर देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सबके लिए ये एक कहीं ना कहीं दुविधा की बात है। और ये क्यों जोड़ा गया, इस पर कोई क्लिफिकेशन भी सीएसबीसी द्वारा नहीं दिया जाता है, ठीक। अब जिसके घर में बहन होगी, जिसके रिलेटिव फिजिकल देने जाएंगे, वहीं ये बात को समझ भी सकते हैं, या जो तैयारी करते हैं वहीं समझ सकते हैं। बाकी कमेंट में लिखने वाले मुंह उठाकर कुछ भी लिख देते हैं। वैसे जब लड़कों का भी कुछ कुछ प्रक्रिया में छाटा जाएगा और उसमें लड़कों के लिए भी सपोर्ट में जब वीडियो बनाऊंगा, तो उस समय देखिएगा लड़की भी लड़कों का सपोर्ट करेगी। तो ऐसे मैं बार बार बोलता हूँ कि वैसा चीज़ जो कि एक कैंडिडेट में कोई ऊंची जात नहीं होता, कोई बराबर, आप समझिए एक सबको बराबर, मेल फीमेल सबको जब सरकार दे रहा है तभी तो लड़कियाँ फाइट कर रही है, और देना भी चाहिए, उनका भी हक बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 424 लड़कियाँ 28 तारीख को फाइनल रूप से जो है फिजिकल में सेलेक्ट हुई। इसमें से बहुत सी लड़कियाँ बाहर हुई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत ही कम है। अगर डेली का मैं बता दूँ कि वैसे लड़कियों का ही बाहर किया जा रहा है, जो कि ज़्यादातर जैसे DOB गलती कर दी, या DOB ज़्यादा उनका हो गया है, या वैसी लड़कियाँ जो कि जिस डेट में पास हुई हैं उसे अधिक बढ़ाकर दे दी हैं, मतलब जो डेट दिया हुआ है उस डेट में पास ही नहीं हुई है, वैसी लड़कियाँ जो कि
पूरी तरीका से पापा का नाम ही गलत भर दिए हैं। वैसे इस सब पर अगर आप एफिडेविट ले जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले भी आपको बताया था कि दो चीज़ में आपको बाहर किया जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। एक आपका कैटेगरी, अगर कैटेगरी आपका गलत हो गया, जैसे आप बीसी से ईबीसी से भर दिए या ईडब्ल्यू से हैं और ईबीसी से भर दिए, ऐसे कैटेगरी अगर गलत होता है तो इसमें बाहर हो सकते हैं। एक डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीज़। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स में अल्फाबेटिकल में गलत होता है या फॉर्म भरते समय गलत भी होता है, वो सब उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक। क्योंकि आप इतना परिश्रम कर आगे बढ़ रहे हैं, ये मेल कैंडिडेट के लिए भी बता रहा हूँ और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी। पहले दिन देखा जाए यहाँ पर 24 फरवरी को पहले दिन कितनी लड़कियाँ सेलेक्ट हुई थी, तो 376। फिर दूसरे दिन देखा जाए मतलब 25 फरवरी को कितने फाइनल रूप से लड़कियाँ सेलेक्ट हुई थी, तो 356 के करीब, 356-357। तो एक लड़कियाँ बाहर भी हो गई थी, दो लड़कियाँ तो पकड़ी गई भी गई थी। और आपको उसके अगले दिन देखा जाए मतलब कि 27 तारीख देखा जाए और 26 तारीख, इस डेट में अगर देखा जाए तो अब सिलेक्शन का रेशियो 400 के करीब पहुँच चुका है। ये बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है लड़कियों का फिजिकल भी सही होते जाता है, वेट भी धीरे धीरे लड़कियां बढ़ा रही है, और 9 तारीख तक जब तक इनका फिजिकल खत्म हो रहा है 9 तारीख तक अच्छा खासा जो लड़कियां है ये सिलेक्शन का रेशियो धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, ठीक। लेकिन पहले से तो ये बहुत ही ग्राफ नीचे है, कट ऑफ पर साफ प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले मैं समझा दूं कि ये किसके कारण लड़कियां छट रही है बाहर और लड़के किसके कारण छट सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फुलाने देखिए यहाँ पर, ये जो आपको महिलाओं के लिए सीना तो नहीं मापा जाता है, लेकिन वजन जो जोड़ा गया 48 kg यह आवश्यक है। मैं बहुत दिनों से आपको चिल्ला के बता रहा हूँ कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है 48 kg, आप लोगों का वजन 48 kg होना चाहिए। इस पर मैं बार बार वीडियो में बताया कि 48 kg मिनिमम होना चाहिए। अब जो नहीं वीडियो देखते थे, जो नहीं जानते थे, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये जोड़ा गया है ये सही है कि गलत है, ये वाला 48 kg। इस बारे में मैं देखिए बहुत लोग बोल रहे कि सर नोटिफिकेशन में पहले से दिया हुआ था, तो मैं तो ये बात बोल ही रहा हूँ, नोटिफिकेशन में दिया था, मैं बार बार खुद ही बता रहा हूँ। लेकिन जो 48 kg है ना, ये बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि फिजिकल में जब रनिंग आपको मजबूत होगा ना, मेल हो या फीमेल हो, तो वेट पर प्रभाव पड़ेगा। अब यहीं पर अगर मान लीजिए मेल के लिए या मेल कैंडिडेट है और उनका बोल दिया जाए कि मिनिमम वेट 55 kg होना चाहिए या मिनिमम वेट 60 kg होना चाहिए, तो कैसा लगेगा आपको? क्योंकि आप तो स्पीड में फिजिकल जो बनाना है, रहता रनिंग में नंबर लाना है, तो रनिंग में नंबर लाइएगा, तो वेट पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इसका आधार क्या है ये नहीं बताया गया है। वैसे वेट में बता दो, मेरे अनुसार हाइट के रेशियो में वेट अगर लिया जाता सबसे बेटर रहता, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये वाला देख लीजिए, वजन जो जोड़ दिया गया है ना, यही लड़कियों को बाहर कर रहा है। लड़के किस में बाहर हो सकते हैं? तो लड़के को मैं बार बार अभी से सचेत कर देता हूँ, ये वाला जो है सीना फुलाना, सीना बिना फुलाए और फुलाकर, इसमें आपको थोड़ा भी एक सेंटीमीटर जो होता है ना, या एक आपको जो भी उसमें भी छूट नहीं दिया जाएगा, अभी से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। तो जिनका सीना में अगर प्रॉब्लम होगा, मतलब कि अगर फुलाकर 5 सेंटीमीटर फुला पा रहे हैं तो ठीक है, और जो मिनिमम दिया हुआ है, जैसे कि अनारक्षित जो सामान्य वर्ग के हैं उनका मिनिमम 81 होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाना है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए भी 81 और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, और यहाँ पर देख अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, ठीक। और मूल गोरखा जो लोग हैं, गोरखा मूल के, उनका 79 और फुलाकर 84, मतलब 5 सेंटीमीटर तो फुलाना ही है। तो लगभग फुला तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन बिना फुलाए हुए भी होना चाहिए। अगर इसमें एक भी आपका कम है ना, तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। अभी लिख कर रख लीजिए, मैं आपको अभी बोल दे रहा हूँ, ठीक। फिर आप हमसे ये मत पूछिएगा, क्योंकि लड़कों को फिजिकल में अभी भी समय है। डिप्स मारकर वजन उठाकर जितना हो सके आप अपना चेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए जो आपको मेरिट बनने वाला है ना, ये आपको लिखित परीक्षा पर नहीं, इस पर ही बनने वाला है, फिजिकल पर। तो फिजिकल बहुत नेसेसरी हो जाता है, ठीक, कि आपको जो मेरिट बनेगा वो फिजिकल पर ही बनेगा, लिखित परीक्षा पर नहीं बनेगा। और फिजिकल में आप देखा जाए तो क्या क्या होता है, तो चलिए यहाँ पर बता देता हूँ। फिजिकल में जो होता है, ये 3 स्पर्धाएँ होती हैं। सबसे पहले आपको दौड़ होगा, उसके बाद ऊंची कूद होगी, उसके बाद गोला फेंक। तो गोला फेंक तो लगभग सब बना लेती हैं, बहुत सी लड़कियां गोला फेंक में भी छटी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ऊंची कूद में तो ऑब्वियसली सी बात है लड़कियां छटती हैं, लड़के का मैं बता देता हूँ कि लड़की इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अपना जो भी मांगा गया शारीरिक मापदंड उसे पूरा करते हुए फिजिकल में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने के लिए, क्योंकि जो कंपटीशन बच गया है ना, ये लड़के में ही कंपटीशन बच गया है। लड़कियों का तो कंपटीशन वैसे भी कम हो चुका है, और लड़कियों का वैसे भी 35% सीट और प्लस 3% ये सीट रिजर्व होता है, तो कम से कम मुझे जहां तक लगता है इतना तो सिलेक्शन होगा ही होगा। वैसे जब लड़कियाँ नहीं मिल पाती है ये 35% सीट पर, तो लड़कों को ले लिया जाएगा, लेकिन लड़कियाँ उतना मिल जा रही हैं, धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ रहा है लड़कियों का सिलेक्शन का। और एक एक सीट पर देखिएगा, दो दो लड़कियां जब फाइट करेगी तो ऑब्वियसली सी बात है लड़कियों को लिया जाएगा। एक सीट पर दो होगा तो इतना पूरा हो ही जाएगा सीट। पहले से रेशियो में, पहले से परसेंटेज लड़कियों का आपको घटेगा,
तो वो लड़के में कंपटीशन बढ़ेगा, लड़कों को एक्स्ट्रा समय भी मिल गया है तो जरूर। अब देखिए जो सीट दिया है ये अलग अलग कैटेगरी वाइज है, 8415 है, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट भी बनता है ना वो अलग अलग ही कैटेगरी वाइज बनता है फिजिकल में, और फिजिकल का नंबर भी अलग अलग ही कैटेगरी वाइज आता है, तो ये भी कन्फ्यूज़न निकाल देना होगा आपके मन से, एकदम निकाल दीजिए। और लड़के सब फिर मैं सचेत कर देता हूँ कि अपना जो चेस्ट है ना उसे बना कर रखिएगा, ठीक, कोई भी गलती नहीं करना है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। लड़कियों का आखिर कट ऑफ कितना जाएगा, काफ़ी अभ्यर्थी पूछते हैं और पूछते हैं कि सर ये जो लड़कियों सेलेक्टेड हो रही है, मतलब मान लीजिए वो कितने रेशियो में हो रही है, तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी भी 1:2 फाइनल जाते जाते 2.5 तो रहेगा ही रहेगा एक सीट पर, ठीक, लगभग तो 2 रहेगा फाइट, एक सीट पर 2 फाइट रहेगा। तो इतना आपको लड़कियाँ अगर सेलेक्ट हो रही है तो आपको कट ऑफ थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, इसमें नो डाउट कट ऑफ थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, ठीक। तो जो भी लड़कियाँ आने वाले समय में तो अच्छे से अच्छा स्कोर करें, ये बात ध्यान में रखिए। हाँ, क्वालिफाई तो करना है, कोशिश करना है, लेकिन जिसमें आप नहीं कर सकते, जैसे हाइट में आप कुछ नहीं कर सकते, वेट में, वेट थोड़ा सा अगर कम है, 2-3 kg कम है तो बढ़ा सकते हो, अगर उससे ज़्यादा कम है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। मान लीजिए आपका 9 तारीख का फिजिकल है, 4 kg कम है, तो कोशिश कीजिए 2 kg यहाँ बढ़ा लेने के लिए इससे पहले, और 2 kg पानी पीकर बढ़ा लेने के लिए, तो आपका हो जाएगा, ठीक। और लड़के मैं बार बार बता रहा हूँ कि अच्छे से जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका, अच्छे से फिजिकल दीजिएगा, जब भी अभी भी आपके पास समय है अपने फिजिकल में लगे रहिएगा, ठीक। और मेरा तो मुहिम ही है कि जो भी CSBC बदलाव करता है उसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन उसका आधार क्या है ये जानना सब अभ्यर्थियों का हक होता है, ठीक, क्योंकि अगली भर्ती आ रहा है और अगली भर्ती में जो ये 48 kg जोड़ा गया है आखिर इसका क्या आधार है, क्या ट्रेनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा कुछ बात निकल कर नहीं आ रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल देखिए, महाराष्ट्र देखिए, यूपी देखिए, राजस्थान देखिए, महाराष्ट्र के पुलिस भी देखिए, वहाँ पर मिनिमम 40 kg वेट है लड़कियों का, तो क्या वहाँ की लड़कियाँ पुलिस नहीं होती, होती है भाई। क्या बिहार में इससे पहले जो लड़कियाँ पुलिस होती थी ट्रेनिंग में क्या क्या हो जाता था, कुछ नहीं होता था, आज भी वो पुलिस है। तो ये आधार क्या था, क्या ये छाटने का आधार था, कि एक आधार है वैज्ञानिक इसका, इस पर CSBC को संज्ञान लेकर ये जवाब देना चाहिए। बाकी मैं यही बताया आया था आपको कि 28 जनवरी को जो सिलेक्शन हुआ है टोटल, ये सिलेक्शन का रेशियो आप देखिएगा लड़कियों का बढ़ रहा है, 424 सिलेक्टेड हुई है, इसमें से कुछ मान लीजिए कि 5 से 8 लड़कियाँ बाहर होंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।